के हाथ
पिताजी के घर में उनके कहां से मथुरा से प्रजम गतम प्रज तो गए और वह मास ज्ञाती और कितने दिन अपने ज्ञातियों के साथ में रहे। स्वजन तो रहे वसुदेव देवकी इत्यादि और ज्ञाति हुए मुनि के मित्र तो उनके यहाँ रहे। कीर्तवान शाश्वतान पर वही जगपुर के रक्षक जो है भगवान श्री कृष्ण कौन कौन सी लीला है। एक बात है जिस समय जन्म हमें को है उस समय कहते हैं वसुदेव गृह साक्षात वसुदेव गृह साक्षात भगवान उषा पर भगवान वसुदेव के गृह में साक्षात वासुदेव कलानुरूपम। यहाँ पर वासुदेव कौन है वसुदेव से उनके कलानंत शास्त्र पदन जो है स्वराज उन्हें वहां पर अश्यमाष्टमो आकाश खड़ी हुई जिसको बहन कर ले जा रहा है दुष्ट अपनी तुम्हारी बहन को ले जा रहा है इसके अष्टम गर्भ ही तुम्हारा हंकारक होगा। तो जिसने मारा वो कौन है अष्टम गर्भ वाली कृष्णी है किसके गर्भ से और तो ये भी शास्त्र यहाँ पर प्रश्न करें देवकी के ही पुत्र है देवाख्यांग देवरूपिण्या देवरूपिणी जो देवकी है विष्णु सर्व गुहास है विष्णु सर्व गुहास है आदिवाद आदिरा साक्षी दथा प्राथ्याभिषेक जिस प्रकार से पूरा दिशा में सुन युवित होता है उनके गर्भ से सुनिश्चित विशेष करके जब कृष्ण देवकी जी के गर्भ में आए जेलखाना में ब्रह्मा इत्यादि जितने देवता थे वहां उपस्थित होकर गर्व स्तुति कर रहे सप्तम त्रिशतम इत्यादि सत्यस्थ जोड़ी नीतम तो सत्य सत्याचार तो गर्व स्तुति कहाँ हुई ये तो हुई नहीं इसलिए इस सब प्रमाणों से ये पता चलता है श्रीमद् भागवत का व्यास जी या सुखदेव गोस्वामी का कुछ विशेष मतलब शास्त्रों में कहा गया नंदस्तु पुत्र आश्वन्ने राजा जातो महामन नंदस्तु हमारे गोस्वामियों ने इसका वर्णन किया कि कृष्ण का जन्म देव वसुदेव यशोदा जी के गर्भ में हुआ और वहां पर सब आनंद इत्यादि बधाई लगी और जन्म महोत्सव माना गया गाय दान इत्यादि और भी हाँ उसमें भी बदलाया गया पशुपाम का जाय भी बताया जाय और मैंने जन्म बताया इस तरह से वो माया देवी के जो माया के संबंध में बदला गया कि तुम उनकी बहन कृष्ण की बहन बदला तो यहाँ पर कामया के रूप में माया माई नहीं हुई तो वो हो गई मैं भी इसलिए इन प्रमाणों से ऐसा भी पता लगता है हरिवंश के प्रमाणों से भी यशोदा के गर्भ से तो अब यहाँ पर कुछ सामंजस्य कर रहे क्यों प्रकट रूप में तो बताया देवकी का गर्भ में मथुरा में और गूढ़ रूप में कुछ छिपा कर बोलते हैं कि ये यशोदा के गोकुल में जन्म हुआ इसका क्या तात्पर्य है
और यू कैन ट्रांसलेट हैं आफ्टर दैट। तब दशम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक दो तीन श्लोकों में बताया गया जदो तो धर्मशील नितरां मुनि सप्तम तंत्रांशे अंशे न अवतीर्ण से विष्णु विज्ञान संसद जदोस्त धर्मशील धर्मशील और इस तरह से मुनि सप्तम जदो के वंश में कृष्ण उत्पन्न तथा अंशे न अवतीर्ण से अंशरूप में अंशरूप में विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर जी गोस्वामी इत्यादि की है वो बताया कि न अंशे न पूर्ण पूर्ण रूप से इसकी व्याख्या सकती है। किंतु मुझे एक चीज यह स्मरण आया कि ठीक शाब्दिक अर्थ के अनुसार में धरा गया है तो ठीक लगता है कुछ माने क्या लगता है तत्र अंशेन अवतीर्णस्य तत्र कहाँ मथुरा में ये अंशेन किसके अंशेन नंदनंदन अंशेन नंदनंदन जो गोकुल में जन्मे हैं उनके अंश से अवतीर्ण जो विष्णु है उनके विज्ञानी लीला कथा मुखा पढ़ यद्यपि हमारे गोस्वामियों ने वहां पर अंशेन का माने पूर्ण अर्थ किया पूर्ण रूप से जिसके कृष्ण के अंश हैं कौन बलदेव उनके वैभव प्रकाश है तो अंशेन सह कृष्ण ऐसा अर्थ किया आया समझ में ठीक समझ में आया नहीं आया वहां पर अंशेन का अर्थ सुना चलने ठाकुर या और लोगों ने कहा अंशेन सह ओके बलदेव के साथ समंजस किया किंतु हम अब दूसरा एक अर्थ सनातन गोस्वामी की कृपा से मैं यहाँ पर करता अंशेन तत्र वहां मथुरा में यहां ब्रज में नहीं वहां तत्र अंशेन नंदनंदन के अंश के रूप में जो वैभव प्रकाश है यहाँ पर हुए उत्पन्न प्रकट यहाँ अंश और सर्वांश रूप में कहा प्रकट हुए ब्रज में गोकुल उनकी कथाओं को किस लिए इतना कुछ छिपाया है कुछ और बातें कही है इसका कारण क्या है स्पष्ट रूप में देवकी को कह रहे हैं अभी छिपा करके कह रहे हैं जरा घुमा पूरा करके अर्थ करने से तब वहां को जाते हैं क्यों इसका कारण क्या है इसका कारण है यद्यपि स्वरूपता ट्रांसेंडेंटल कृष्ण ही सबके प्रियतम मोस्ट बिगेस्ट सब प्राणी मात्र किंतु इस जगत में या परजगत में उपपति भाव की श्रेष्ठता संपादन करना है और सरस को आस्वादन करना कृष्ण का ये ध्येय समझो कृष्ण का अवतार का मूल उद्देश्य क्या है धर्म प्रतिष्ठा इत्यादि सब गौण है सरस का आस्वादन करना अखिल दशा में जब तक कि औपपति शुद्ध भाव नहीं आएगा तब रस का स्वादन नहीं होगा पूर्ण रूप से इसलिए औपपति भाव की जरूरत है। यदि कृष्ण का ब्रज में जन्म होता गोकुल में औपपति भाव नहीं होता क्यों नहीं होता
इसलिए नहीं होता। वहाँ पर जो कन्याएं हैं उनकी बहन है और जो जेठ जो उनके जेठ भाई की माताएं हैं वो क्या है या उनकी पत्नियां, वो तो माँ के समान बराबर है। तो वहाँ उपपति भाव यदि जन्मे हैं तो उपपति भाव कैसे होगा, श्रद्धावास हो जाएगा। इसलिए मथुरा का जन्म ऊपर से मान लेने से ये समस्या हल हो जाएगी। बताया था संक्षेप में, बताया था इतना नहीं बताया। इसलिए औपपति भाव की सिद्धि के लिए कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया, यही भाषा प्रतीत होता है। तब वहां संभोग में और प्रलंब दोनों अवस्था में उत्पत्ति भाव रहे, इसलिए कृष्ण जब तक ब्रज में रहे विवाह नहीं हुआ, उपनयन नहीं हुआ, उसके बाद तो विवाह होगा। तो उपनयन के पहले ही चले आए, यदि रहते तो उपनयन होता तो नंद बाबा उनकी शादी कर देते कभी और उपपत्ति भाव सब समाप्त हो जाता, नहीं होता। इसलिए बड़ी चतुराई से कृष्ण ने योग माया के द्वारा और उपपति भाव का आस्वादन करने के लिए, देखो ब्रज में यदि शादी हो जाती तो फिर उपपति भाव नहीं रहता, किंतु वहां पर देखो संयोग में उपपति भाव पतियों से छीप करके और उनके पति वहां है, और विप्रलंब में भी जब तक वो द्वारका मथुरा में रहे गोपीय काम के प्रति विप्रलंब का भाव रहा, कृष्ण का भी उनके प्रति अपने में पति का भाव रहा। ये बड़ा रहस्य है, इस रहस्य को जो समझेंगे वो रस का आस्वादन करेंगे। इसलिए आप यू कैन ट्रांसलेट इट, डोंट मेक एनी So, in the coming next 2 days, we will celebrate the festival of Sri Janmashtami. So, from the last many days, we are hearing from the mouths of many, many devotees, according to their abilities, according to their conception, different understandings of what is Sri Krishna Tattva. As Guru Maharaj said, today is his turn. So, on Srimad Bhagavatam, first skanda, first chapter, here the rishis of Namasaranya asked a question to Suta Goswami. Hey Bhaja, hey Suta Goswami, so Krishna is the Saswatam, that means he is the protector of the Yadus, he is the son of Vasudev Maharaj, Vasudev is Krishna's father and Vasudev is Krishna. Vasudev is Krishna's father and Vasudev is Krishna. So please describe his pastimes. So, therefore Guru Maharaj is giving many different evidences directly from the Srimad Bhagavatam, how the conclusion is given that Krishna is the son of Vasudeva Maharaj and Devaki. There it says directly, Krishna went from his father's house. Where is that? In Mathura. And Vasudeva Maharaj took him to Vrindavan. Brajam Gataha, that means he went to Vrindavan from Mathura. He went to Vrindavan and stayed with the friends of Vasudeva Maharaj. So there is the evidence from the Srimad Bhagavatam.
वासुदेव गृह साक्षात वासुदेव करो नंदन Giving different evidences directly from the mouth of Srila Vyasadeva and Srimad Bhagavatam. How Krishna Parabrahma took birth in Mathura, and he took birth directly in the house of Vasudeva Maharaj. Oh Bhadra, oh Srila Goswami, what leelas did he perform? Another evidence is given when Sri Yogamaya, when Kamsa brought Sri, so when Vasudeva Maharaj brought the daughter of Yasoda back to Vrindavan, back to Mathura. That time, Sky Voice came. Hey, Dusta, O Kamsa, rascal, don't you know? The son of Vasudeva Devaki has appeared elsewhere. So also, seven Devarupani, just like the son appears from the ocean. That's okay, that's okay. Therefore, Devarupani, just like the sun appears from the ocean in the same way, Parabrahma, Sri Krishna appeared from the womb like, ocean like womb of Devaki Mother. Also, another evidence given, when Vasudev Nandan Krishna appeared here in Mathura, that time all the demigods, headed by Brahmaji, offered many types of prayers. So, where did they offer those prayers? Exactly, directly here in Mathura. So, Sri Vyasadev Maharaj and Sri Sukadeva Goswami had a special reason for giving all these pramans how Krishna was born in Mathura. But if you look very carefully under the direction of the Acharyas, also other meanings are given how Krishna took birth in Vrindavan. Nandastu Atma Yojana. They are given directly praman in a hidden way how Krishna took birth from Yasoda. Also, that time it describes fully the Nandasa celebration of Nanda Maharaj. How on the birth of his son, Sri Nanda Baba became so happy, he gives so many cows in charity. Also, the gopis have said, Jayati te become Jagmana Vraja. Krishna has taken birth in Vrindavan. They give an evidence, Brahmaji also said. So, if you look very carefully, in the Srimad Bhagavatam, both things are described. Both how Krishna took birth, appeared here in Mathura, and how Krishna also took birth in Vrindavan. So, therefore, Guru Maharaj is saying, therefore, especially this verse, Tatra Amsena Avitinasya. The two meanings have been given here. One is by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, what Guru Maharaj says, and the second is given by the inspiration of Sri Sanatana Goswami Pada. So Tatra Amsena. So that Anks of Krishna took birth with Krishna. That Anks can mean Baladeva Guru, who is the Vaibhava Prakash of Krishna himself. But also, if you think also in another way, Tat Amsena. The answer of Vrajendranandan, he took birth where? In Mathura. So, therefore, question may come that why these both things have been described in the Bhagavatam, why everything has been described in a very hidden way? What is the reason? So, Krishna is the most beloved of all the jivas, not simply in this world, but also in the spiritual world also. Out of all different types of service to Krishna, Upapati Bhav, or the relation, unwedded relation with Krishna, is the topmost. So Sri Krishna came here, why? A secondary reason is to establish Dharma, yada yada hi dharmasya. But the main reason that Krishna came was to taste this Upapati Bhav with the gopis. So, if it's directly said in the Bhagavatam that Krishna is born in Gokul, then there can be no Upapati Bhav. Why? Because that means that all the gopis, the young unmarried maidens of Vrindavan, they will become like Krishna's own sisters in Gokul. That means they will be like Krishna's own sisters. Therefore, this will be disturbance, corruption of Upapati Bhav.
Therefore, this Upanishad is tasted both in meeting and in separation. So therefore, for all these reasons, Krishna left Vrindavan before his Upanayan, means his Brahman, his Diksha. Why? Because immediately after Diksha, the marriage must be arranged. So Krishna is married in Vrindavan, then Upanishad between Krishna and the gopis will be destroyed. So for this reason, Yogamaya arranged all these pastimes that Krishna would leave Vrindavan and take his Upanayan Samskar in Mathura and marry with all the Kanyas there, all the queens of Dwarka. So therefore, for this reason, Krishna's birth is not directly described in Vrindavan, and his marriage is also not performed in Vrindavan. Vishnu Anuja means Yogamaya Devi. She took part in Gokul, not in Mathura. So it seems that Krishna took part in Gokul. Nanda Panduja told, if you externally admit that Krishna took part in Mathura, then his paramour mood will be solved very easily. I have to admit that externally he took part in Mathura. I have to mention this point too. कृष्ण ने जन्म लिया था कुछ भाग मथुरा में संपन्न शंख पद चक्र गदा पद्म धारण कर यहाँ पर उत्पन्न हुए। पूर्ण रूप से उसी समय में गोकुल में जन्म यशोदा जी के घर और जन्म लीला के बाद ही में नंद बाबा के घर में पढ़ाई बजने लगी, बड़े उत्सव होने लगे, लाखों लाखों गैयाओं को दान किया जाने लग गया और उनका संस्कार जन्म संस्कार जो होता है वहां पर हो गया। यहाँ पर कोई जन्म संस्कार नहीं हुआ, नाड़ी छेदन इत्यादि मथुरा में नहीं हुई और वहां पर लवलीला मत उनका नाड़ी छेदन इत्यादि सब कार्य ये गोकुल में। यदि यशोदा के गर्भ से उत्पन्न नहीं होते तो यशोदा के साथ वहां नाड़ी छेदन का कोई प्रश्न ही नहीं आता, इसलिए नाड़ी छेदन भी वहां पर है। तो ये जन्मलीला हुई और कुछ दिनों को बाद ही कंस को शक हुआ कि यही नंददानंदन ही श्याम सुंदर ही हमारे प्राणों का हंतारक है, किंतु निश्चित नहीं कर सका थी। किंतु ब्रज में जन्मे हुए 10 दिन के अंतर में जितने लड़के थे उस सबका विनाश करने के लिए अपने असुर बंधुओं को परामर्श दिया और सबसे पहले पूतना पाल भारतिनी रुधिराक्षसी वो ब्रज में आई और पुत्र लालन के बहाने पल्ले से गोदी में उठा लिया और कृष्ण को अपना पीछ का स्तर दिया। कृष्ण ने पीछ के साथ ही साथ आंखें बंद करके उसके प्राणों को भी खींच लिया और वो विकराल रूप धारण करके 6 माइल में गिर पड़ी, मथुरा में नहीं आ सकी। इस प्रकार से उसका प्राणांत और उसके गंध से जब उसको जलाया तो अग्नि का गंध निकल और कृष्ण ने दयालुता के साथ में उसको धात्री उचित गति दी। धात्री के माता का के जैसा जो स्तर पलाती है तो उसको धात्री करते हैं, ऐसी गति उन्होंने की। इसके बाद में कृष्ण ने और भी लीलाएं गोकुल में की। वहीं पर शकट भंजन लीला, त्रिणावर्त व्रत, शकट बल, शकट जो
खड़ा था, बहुत बड़ा था एक गाड़ी सौ पहियों वाला, उसी के अंदर में प्रवेश कर गया और नीचे उसी के पल्ले में कृष्ण झूल रहे थे। इतने जोर से दबाया कि कृष्ण को पिचट देगा, किंतु कृष्ण रोते हुए अपने पैरों को जिस प्रकार से जो उछाल रहे थे उसके लगने से ही वो गाड़ी उलट गई और वो असुर मर गया। तृणावत और तृणावत का वध किया। असुर ने सोचा शरीर धारण करने से तो लक्ष्य को देख करके मार डालेगा, इसलिए हवा का रूप धारण करके भयंकर आंधी का रूप धारण करके उसे मारेगा। तो वो कृष्ण को लेकर के ऊपर आकाश में उड़ा, कृष्ण ने उसकी ये पकड़ ली और थोड़ा सा बचने के लिए दबाया तो प्राण निकल गया। वो क्या करे उसके ऊपर में गिर गए और गोपियां फिर पूछे। इन सब लीलाओं में ऐश्वर्य भी है कि तो माधुर्य इसलिए कहते हैं अपने छोटे बालक रूप में ही उनका वध किया। विकराल विष्णु जैसा या त्रिविक्रम जैसा विराट रूप धारण नहीं, न लीला का रूप में किया, इसलिए इसको माधुर्य लीला ही कहते हैं। फिर कृष्ण को जब भाई आई और यशोदा जी ने उसमें विश्व रूप देखा, अपने को भी उसमें बैठा देखा उनके मुख में, सोची जी भूत प्रेत लग गया। ब्राह्मणों को बुलाया, गाय दान की गोबर और मूत्र से उनका अभिषेक कराया। यशोदा जी को अर्जुन की भांति और दूसरों की भांति ऐश्वर्य भाव नहीं आया, भगवत बुद्धि नहीं हुई, ये सब लीलाएं उन्होंने की। याद है इसके बाद में कृष्ण ने को ब्रह्मांड घाट में मट्टी खाई, मंदिर इत्यादि शाखाओं ने उलाहना दिया यशोदा मैया को और हाथ से उसका मुंह खोल करके देखा तो देखा जो मट्टी तो नहीं देखा कि तो विश्व ब्रह्मांड को सबको उसी के अंदर देखा। तो अभी उनको ये नहीं हुआ जो ये भगवान है। यशोदा जी का वात्सल्य इस प्रकार से गोकुल में ताम बंधन की लीला भी, भक्त वात्सल्य की डोरी में बंध गए कृपया शीत बंधन। इसके पहले आज तक किसी ने भी कृष्ण को नहीं बांधा, भाई ये चलेगा मांगा। इसके बाद में जमलार्जुन का उद्धार हुआ, इसके बाद में छठी करा वृंदावन आए, वहां पर सबसे पहले बरसातुन का बछड़ा बन करके आया था उसको वध किया, अघासुर का वध किया, अघासुर मैंने पाप पाप की प्रतिमूर्ति उसका वध किया। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने बच्चों को और बालकों को दोनों को चुरा लिया और इसके बाद जब उनका वो छोटिया को लीला जब देखी तो बड़े विस्मित हुए और स्तुति करने लगे। भागवत में स्तुति बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया। इसके बाद में धेनुकासुर को वध किया, धेनुका माने मूर्खता, जो भगवान का भजन नहीं करते, अपने भोग विलास में मत रहते हैं, ऐसे लोगों को गधा का बुद्धिहीन, उसको बलदेव जी ने वध किया। कालिय दमन, वृंदावन में कालिय भरत को वो इशारा कर रहा था, उसके बारे सभी लोग मर रहे थे,
कृष्ण ने उसका दमन किया और उसको रमणी तीर्थ भेजा। दामन नव का पान किया उसी रात में, फिर मुंजाक्षी में दामन नव का पान किया, तेनु गीत हुई, चीरहरण लीला हुई। भगवान ने चीरहरण की लीला क्यों की? बहुत बहुत से आजकल के आधुनिक विद्वानों को ये समझ में नहीं आ रहा जो अंतर और बाहर है उनके लिए इसी बात क्या है। द्रौपदी के बसंत बन करके लिपट गए तो उसमें कोई हानि नहीं हुई, और चीरहरण हुआ तो इसमें दोष देखते हैं। जब ये पत्नियों के ऊपर में अनुग्रह किया, इंद्र का मान वर्धन किया, और फिर उन लोगों ने मिलकर के गोविंद का अभिषेक किया, गोविंद नाम से नंद का परम लोक के दूतों ने अपहरण कर दिया। रात में ही स्नान कर रहे थे यमुना में, और फिर वहां पर देखा जब परम लोक में गए तो कृष्ण का सभी लोग पूजा और अभिषेक कर रहे हैं। नंद बाबा जी कहते हमारे बेटे को इतना आदर कर रहे हैं। तब फिर वहां से आए तो कुछ दिनों के लिए उनको ये हुआ कि हमारा बेटा यमुना वहां पर गए और उसको देवता लोग इतना आदर कर रहे हैं। इसके बाद में राज पंचायत राज हुआ, अजगर के मुख से नंद बाबा का छुटकारा किया मथुरा में। अजगर उनके पैर को पकड़ लिया और निकलने लगा, और सभी लोग कृष्ण को पुकारने लगे। तब कृष्ण ने उसको पैरों से छू दिया और वो देवता बनकर विद्याधर देवता बन गया और कृष्ण की स्तुति करके चला गया। इतना देखने पर भी कृष्ण का असर कि उनको कोई प्रजाबाजी अपमान नहीं मानता। इसके बाद में संत चूर का वध किया कृष्ण ने, फिर युगल गीत हुई, अरिष्टासुर का वध हुआ, केशी वध, व्योमासुर वध, अक्रूर का फिर नंदगांव में आना और कृष्ण को ले जाना, और वहां पर ले गए। पहले रास्ते में वो जो कपड़ा रंजक होता है उसका वध किया, वो कंस को देगा कृष्ण को नहीं देगा, वध किया। इसके बाद बालाकार ने माला दिया तो उसके ऊपर में दया किया, कुटिया के ऊपर में अनुग्रह किया, उसके अंग को परम सुंदरी बना करके और अपनी इच्छा को पूर्ण किया। इसके बाद में एक कंस किले में धनुष को अंग तोड़ दिया और बलजापुर हाथी को सबके सामने मारा और उसके दांतों को लेकर के अखाड़ा में पहुंचे। यहीं पर चारों को मुश्किल को मारा। इसके बाद में कंस के मंच पर कूद करके पकड़ करके उसका केस और नीचे कुंडली भैया का केस पकड़ करके मारेगा, बस उसके ऊपर देखिए और वैसे ही मर गया। अपने राज्य ने लिया, उग्रसेन को भी कंस के पिता को ही राज्य दे दिया, राज्याभिषेक कर दिया, और विद्याध्यान के लिए कहाँ चले गए? उज्जैन चले गए। उज्जैन क्यों गए? ऐसा कोई पंडित नहीं था, और वैष्णव पंडित होगा तो तुमको जान जाए। इसके बाद गुरु दक्षिणा में उसके जो पुत्र की मृत्यु हो गई थी उसको ले आए जमपुरी से और गुरु को दिया। फिर नंद और उद्धव का संवाद हुआ, उद्धव जी को कृष्ण ने प्रेम में भेजा और वहीं पर गोपियों की महिमा देख करके भ्रमर की गोपियों ने किया, और नंद बाबा उद्धव जी गोपियों की प्रशंसा करने लगे। बंदे नंद नाम प्राग रे इसके बाद में जरासंध जी ने आक्रमण किया, द्वारका का निर्माण हुआ एक रात में, मथुरापुरी से जितने लोग थे सब लोगों को लेकर के द्वारका को वहां पर खाल जवन का वध किया, बलराम का विवाह हुआ रेवती और बाल्मीकि के साथ, इसके बाद कृष्ण का रुक्मिणी से विवाह हुआ, फिर प्रद्युम्न का जन्म हुआ, शंभासुर का वध हुआ, और फिर सत्यभामा जामवंती सब पत्नियों के विवाह हुए। इसके बाद में ब्राह्मण दामादित्र के ऊपर में कृपा की, 16108 रानी के साथ में शादी की, इति श्री श्रीमद् भागवत। संक्षेप में श्रीमद् भागवत कृष्ण ने जो लीलाएं की उनका वृंदावन की लीलाओं का
और मथुरा के लिए जाऊँ था, द्वारका के लिए जाऊँ स्वामी पर। कल आप सभी लोग डोला में सम्मिलित होने के लिए, नगर संकीर्तन में सम्मिलित होने के लिए 5 बजे यहाँ आ जाएंगे और हमारा 5:30 से यहाँ से हम लोग डोला हमारा चलेगा। यहाँ की हाथी पर ऊपर लगाने बैठे हुए घोड़े पर कृष्ण बलदेव और रथ पर राधा कृष्ण का विग्रह और सब जितनी घर की आने के लिए और हम लोग 8:30-8:30 तक यहाँ तथे समाप्त करेंगे और दूसरे दिन उपवास करेंगे, व्रत करेंगे सब अष्टमी का और 7 तारीख अष्टमी का भी वहाँ पर हम लोग ये करेंगे। सारा दिन आपस चलेगा, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करेंगे और शाम को विभिन्न कलाकार लोग आएंगे और उनको सब तुम लोग आदर जत्न के साथ रखना और नगर संकीर्तन में हमसे तुम लोग भी जाना, रास्ते में कभी आए यहाँ या होली गेट में या जहाँ भी हो आप तो यहीं पर आ और तुम वहाँ पर या मुद्दा कभी कर देना हो तुम्हारो नगर प्रशासन से भेजा आई रिक्वेस्ट ऑफ दोस्त दुआर क्लियर दोस्त दुआर नॉट क्लियर दोस्त दुआर इन वृंदावन दिस विल कम बिफोर 5 फोर 30 डेज विल कम जस्ट एट 5 यू विल बिगिन और नगर संकीर्तन एंड फर्स्ट विल बिगिन कीर्तन और विदेशी और जैसा होगा वैसा हम लोग करेंगे। आप लोग सभी लोग आ जाए, आप लोग भी आ जाकर कर सकेंगे नगर संकीर्तन और सबको आगर चंद्रे साथ वापस को जैसा होगा आप लोग आगे आ जाए 4-8 बजे और सारी तरफ हरे कृष्ण। I am requesting all devotees, tomorrow in our procession, please keep your own karata, don't hand over anyone. We will come back and hand over to Krishnadas Prabhu. And some Western devotee has their own mridanga, because we are not so many mridangas. So I am requesting them to bring their mridanga and have to keep under their own custody. Another thing, so many teenagers come from different countries. I am requesting them, they will take rest in our Sankirtan hall or rooftop. They should not go others nearest rooftop to sleep there. And they should not use any firecrackers. Firecrackers is strictly prohibited to use. I am requesting that don't use any firecrackers. Conference is coming for never soon. Hare Krishna. So, Sri Krishna appeared here in Mathura along with his following and his son Chakragara Padma. So he passed it here here in Mathura, but completely he took birth in Gokul. There at the Barai festival, Nanda Baba was so happy the appearance of Krishna, he distributed many, many cows. There many samskar was performed, like the Nali Chedan. So Krishna, that means the cutting of the umbilical cord. So if Krishna was not born in Gokul, then how could they cut the umbilical cord here? So Kamsa knew that Maikila had taken birth somewhere in Rajamandal, but he did not know where. Therefore he sent the demons like Putana to kill all the babies who had been born in the last 10 days. Putana came to Gokul. Seeing Krishna, she put poison on her breast. She took Krishna on her lap and Krishna sucked the poison, sucked out her life. And before she could return to Mathura, Krishna killed her here. But not killed her. He gave her a designation of Dhatri, means like nursemaid in Goloka Vrindavan. When they chopped up her body and burnt, her body was so attractive smell came from the pieces. Krishna performed the leela of Sakat Bhanjan. Sakat means cart. So one asura had entered the cart in a subtle form. He went to press Krishna flat. And Krishna, the small baby with his legs kicking in the air, he finished him. So there was so much opulence in this leela. But it is completely covered by Madhurya. Why?
Krishna, he kept his baby form as he killed Sakadasura. He never became a big form like Trivikram or anything else. Another demon came, Trinavata. He thought, all the other demons have taken form and been killed by Krishna. Therefore, I will not take a form. He came as wind, and Krishna finished him also. Yasoda, oh, the boys like Baladev, they complained, oh, Krishna has been eating dirt. So Mother Yasoda, she looked in the mouth of Krishna. What did she see? Millions and millions of universes and the universal form. But she did not become like Arjuna, covered by opulence. Instead, she ordered the Brahmanas, purify my son, give blessing to my son, and they bathed him in urine and cow dung. So Guru Maharaj gave a brief explanation of the Srimad Bhagavatam. Then, Mother Yasoda bound Krishna. Before, Krishna had bound others, like Bali Maharaj, but only Mother Yasoda could bind Krishna. After that, all the Vrijavasis left Chakaskara and came to Vrindavan. There, they killed demons like Agasur, whose sin personified, Bakasur. There, Brahma was bewildered in his pastimes. Then Baladev killed Janakasura. Janakasura represents those who think, eat, drink, and be merry, and do not do bhajan. Krishna punished the Kaliya demon. Then the description of Venugit, the stealing of Krishna's cloth. Chiraharan Leela was performed. Even very learned scholars cannot understand this pastime. When Sujomani Devi was made naked, Krishna protected her chastity. But still people keep complaining against Krishna. Krishna lifted Govardhan. Indra the Akshay of Krishna. Krishna protected his father from the snake demon. By the touch of Krishna's feet, he became a very beautiful demigod, Vidyadhara. Krishna's father Nandababa was kidnapped and taken to Ruriloka. And when Krishna came to rescue him, Nandababa became astonished. Oh, they give me so much respect to my son. Rasa Leela was performed. But despite so many pastimes, no Vrijavasi ever thinks that Krishna is Bhagavan. There is a description of Yugal Geet, Sankachudpad, the killing of Sankachud of demon. Akrura took Krishna to Mathura. Krishna killed the dogi, the washerman. He gave mercy to Kubja. He broke the sacrificial bow. He slaughtered Kubalyapad. He delivered Chanana Mustik. Then Krishna jumped onto Kamsa. Oh, you caught my mother's hair. Therefore Krishna grabbed his hair, threw him on the ground, jumped on his chest and killed him. But Krishna never took the kingdom. Instead, he gave to Kamsa's father, Ugrasen. Krishna went to Ujjain and studied there the 64 arts under the guidance of Sandipani Muni. Sandipani Muni was such a learned Brahman and scholar, but he was not a Vaishnava, he was a Shaivite, devotee of Lord Shiva. Therefore, Krishna gave Guru Dakshin to Sandipani Rishi. Krishna went to Yamapuri, the abode of Yamaraj, took his son back and gave back to Sandipani Rishi. Then there is a conversation between Nanda and Uddhava. The Brahma Gita is described. At the end, Nanda Baba Uddhavji said, Vande Nanda Padasrinam offered many prayers to the feet of gopis. Then Jarasandha caused so much disturbance. In one night, Krishna took all the residents of Mathura to Dwarka. Then there was the killing of Kalyavan, the marriage of Balaramji. Krishna married Rukmini, and after 16,000 other queens who had been kidnapped by the demon, Narakasura. Therefore, the whole description of Srimad Bhagavatam is given. Tomorrow's Nanda Sankirtan begins at 5. Next day is Upavas, complete fasting for Janmashtami. And then we'll give a one-day recital of 10 candles of Srimad Bhagavatam. One short announcement, Prabhus. We have sign-up sheets here. Vrindavan Chandra, where's the sign-up sheet? There's a sign-up sheet here for the devotees. Prabhus and deities who want to go to the Nagar Sankirtan and book distribution party in Delhi. Also, there's one in Jaipur, maybe Agra. Sign up on these sheets, talk to myself, the ladies can talk to Shyamala Didi, and we'll arrange transportation to these places. Prashadam will be taking care.
there will be lots of books. Thank you. Bye.